हेलो फ्रेंड्स, शालू के सिंपल एंड इजी रेसिपीज में आज मैं हरे चने का पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्याज के स्लाइस को हम घी में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब उसी घी में दो हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। अब एक डिक्ची में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री। अब हम 250 ग्राम धुले हुए हरे चने लेंगे और इसे घी में डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे गरम मसालों के साथ। जब ये अच्छी तरह से घी में भुन जाए तब फिर इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। अब हम बासमती चावल को अच्छी तरह से धुल लेंगे। अब इसे हरे चने वाले पानी में डाल देंगे। चम्मच की सहायता से एक बार हरे चने और चावल को सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चावल के सॉफ्ट होने तक इसे पकने देंगे। अब थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर को हम दूध में घोल लेंगे और इसे चावल के ऊपर डाल देंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे। अगर आपको इसका स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम घी में फ्राई प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट तक दम पर इसे पका लेंगे लो फ्लेम पे। सो फाइनली हमारी हरे चने की पुलाव रेडी है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें।